नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज कुमार एक बार फिर से हाजिर हूं आपकी सेवा में लेटेस्ट रोजगार समाचार के साथ। दोस्तों, इस चैनल पर आपको लेटेस्ट रोजगार समाचार हम डेली बेसिस पर उपलब्ध कराते हैं। उसी क्रम में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपी ट्रिपल एससी के अंतर्गत मंडी परिषद सचिव रिक्रूटमेंट 2024 के लिए भर्ती नोटिफिकेशन जारी किया गया है। टोटल पदों की संख्या 134 है। ऑनलाइन मोड में आवेदन मांगे जा रहे हैं योग्य भारतीय नागरिकों से। संपूर्ण जानकारी वीडियो के दौरान आपको उपलब्ध करा रहे हैं, इसलिए वीडियो पर हमारे साथ अंत तक बने रहें। वीडियो में दी गई जानकारी काम की लगे तो एक लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। आओ शुरुआत करें नए कल की। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है जिसका विज्ञापन संख्या 6/2024 है। सचिव श्रेणी ग्रेड 2 मुख्य परीक्षा के लिए आवेदन मांगे जा रहे हैं। ऑनलाइन आवेदन और शुल्क जमा कर सकते हैं आप 24 मई 2024 तक। शुल्क समायोजन और आवेदन में संशोधन कर सकते हैं 31 मई 2024 तक। ये पद उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद उत्तर प्रदेश के अंतर्गत भरे जाने हैं। कुल पद हैं 134। इन पदों के लिए केवल वो ही कैंडिडेट आवेदन करने के योग्य होंगे जिन्होंने प्रारंभिक अर्हता परीक्षा या प्रीलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट PET 2023 का वैलिड स्कोर कार्ड जिन्हें जारी किया गया है। ऐसे कैंडिडेट जिन्हें 0 या उससे कम या नेगेटिव मार्क्स प्राप्त हुए हैं इस पदों के लिए शॉर्ट लिस्ट नहीं किए जाएंगे या फिर वो इन पदों के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। इन पदों के लिए जो एप्लीकेशन फीस है सभी वर्ग के कैंडिडेटों को केवल ₹25 ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क ऑनलाइन मोड में पेमेंट करने होंगे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग या UPI के माध्यम से। यहाँ कुल पदों की संख्या कैटेगरी वाइज जिनमें से अनरिजर्व के 54 हैं, SC के 28 पद हैं, ST के 2 पद हैं, अन्य पिछड़े वर्ग के 37 पद हैं, EWS के 13, कुल मिलाकर 134 पद हैं जो कि आप ऑनलाइन मोड में जिनके लिए आवेदन कर सकते हैं। अनिवार्य शैक्षिक योग्यता जो रखी गई है सचिव श्रेणी ग्रेड 2 पदों पर भर्ती के लिए किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कृषि, कृषि विपणन या विज्ञान, वाणिज्य, अर्थशास्त्र या कृषि अर्थशास्त्र में ग्रेजुएशन की डिग्री आवेदक के पास होनी चाहिए। अधिमानी अहर्ता उन कैंडिडेट्स को वरीयता दी जाएगी जिन्होंने किसी मान्यता प्राप्त कृषि विश्वविद्यालय से कृषि अर्थशास्त्र, कृषि विपणन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की है या फिर AICTE के द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान से MBA की एग्री बिजनेस मैनेजमेंट या उसके समकक्ष उपाधि आवेदक ने प्राप्त की है। आयु सीमा यहां कम से कम 21 साल और अधिकतम 40 साल रखी गई है। 1 जुलाई 2024 के आधार पर आयु सीमा की गणना यहां पर की जाएगी। SC ST को 5 साल तक की, OBC को 3 साल तक की, दिव्यांगजनों को 10 साल तक की अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी। सचिव ग्रेड 2 की परीक्षा के लिए ऐसे कैंडिडेटों को शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा जिन्होंने प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2023 के स्कोर के आधार पर कम से कम श्रेणीवार 15 गुना कैंडिडेटों को शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा मुख्य परीक्षा के लिए। अब बात करते हैं आवेदन प्रक्रिया की। तो आपको ऑनलाइन मोड में आवेदन करने होंगे, उसके लिए आवेदक को लॉगिन प्रो PET रजिस्ट्रेशन नंबर के माध्यम से आप लॉगिन कर सकते हैं जिसके अंतर्गत आप व्यक्तिगत विवरण के साथ में प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2023 के रजिस्ट्रेशन नंबर, जन्मतिथि, लिंग, उत्तर प्रदेश डोमिसाइल, कैटेगरी भरकर लॉगिन कर सकते हैं। दूसरा जो तरीका होगा OTP के माध्यम से आप लॉगिन कर सकते हैं। इसके अंतर्गत PET 2023
2023 के रजिस्ट्रेशन नंबर के सापेक्ष जो मोबाइल नंबर आपने रजिस्टर्ड कराया था, ईमेल आईडी जो रजिस्टर कराई थी, उस पर ओटीपी भेजा जाएगा या प्राप्त होगा, उसके माध्यम से आप लॉगिन कर पाएंगे। लॉगिन कर लेने के बाद में आप सारी डिटेल्स को अच्छे से चेक कर लेना है। दूसरे भाग में जो आवश्यक शैक्षिक योग्यता है, यस नो पर क्लिक करते जाना है और उससे संबंधित जो डिटेल है उसको प्रोवाइड करा देना है। तीसरे भाग में आपको वेरिफिकेशन पर पहुंचना है और वहां पर दिए गए कोड को डालने के बाद में सबमिट बटन पर क्लिक करके सबमिट कर देना है। इसके साथ ही आपको फोटोस और हस्ताक्षर जो हैं वो भी अपलोड करने होंगे, साथ ही जो पहले आपने हस्ताक्षर और फोटो अपलोड किए गए हैं उनको आप देख सकते हैं। अगर वो सही हैं तो उन्हें कंटिन्यू बटन पर चले जाना है। अन्य विवरण को आपको अच्छे से चेक कर लेना है। उसके बाद जो डिक्लेरेशन वाला पार्ट है उस पर जाना है, सेव प्रोसीड पर क्लिक करना होगा और फीस पेमेंट के जो स्टेप है प्रोसीड टू पेमेंट ऑफ फीस एंड फाइनल सबमिशन पर क्लिक करके अपनी प्रक्रिया को पूरी करा देना है। तो ध्यान रखना है, ऑनलाइन फॉर्म सबमिट करने की अंतिम तिथि है 24 मई 2024 तक आप ऑनलाइन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं और 31 मई 2024 तक आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म में करेक्शन कर सकते हैं अगर आपकी कोई गलती हो गई है। तो इस तरह से यूपी ट्रिपल एससी यानी उत्तर प्रदेश सबॉर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन कमीशन के द्वारा मंडी परिषद सचिव के पदों के लिए आप ऑनलाइन मोड में अपने एप्लीकेशन फॉर्म को अंतिम तिथि से पहले जरूर सबमिट करा दें। तो दोस्तों, आशा करते हैं पदों के संबंध में उपलब्ध कराई गई जानकारी आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। इसलिए वीडियो को एक लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं लेटेस्ट रोजगार समाचार लिए नई वीडियो के माध्यम से। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।